रहेंगी लॉकडाउन का बंद से, बहुत सारी चीज़ें बंद हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई जी जी, रिएक्शन सबसे पहले तो श्री जी को मेरी बहुत बहुत बधाई बर्थडे की, और उन्होंने एक म्यूज़िक कंपनी स्टार्ट की है तारा रमपम, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे श्री जी। और मैंने उनके साथ फिल्म की है अभी ये जान लेबू का, उसमें विलेन मैं हूँ, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत अच्छे इंसान हैं और डायरेक्टर दिनकर जी दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी टीम थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने इन लोगों के साथ काम किया था और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई कि फिल्म की एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, डबिंग स्टार्ट होने वाली है, मेरी बेस्ट विशेस हैं। और दूसरा आपने पूछा कि लॉकडाउन, लॉकडाउन में एक्चुअली पहले तो ये है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, और अभी गवर्नमेंट जो वैक्सीन के लिए बोल रही है वैक्सीन ज़रूर लीजिए, और प्लस डिप्रेस मत होइए, डिप्रेशन मत लीजिए, आप ये सब चीज़ें लीजिए, खाइए पिए, पौष्टिक आहार लीजिए, लेकिन डिप्रेशन बिल्कुल मत लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वैक्सीन दोनों डोज समय पर ले लीजिए, बहुत अच्छा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा। बाकी लॉकडाउन से बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं, ये सब पार्ट ऑफ द वर्क है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, जैसे लाइफ कभी कभी आदमी बीमार हो जाता है या कुछ होल्ड हो जाता है, तो समझिए कि ये 1.5 साल हमारे लॉक हो गए, होल्ड हो गए, बट अभी देवी माँ के आशीर्वाद से सब कुछ पटरी पर आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी मेरी बेस्ट विशेज हैं सबको, सब खुश रहें, हम स्वस्थ रहें, सबसे पहले स्वस्थ रहें उसके बाद खुश रहें। सर आप जैसे कलाकार हैं जो बर्थडे शूट में व्यस्त रहते हैं, कितना मिस कर रहे हैं शूटिंग के टाइम को, जिस तरह से पूरा का पूरा फिल्मी जगत एकदम सोया हुआ है, मतलब बंद है ऐसा टाइम, आप क्या मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत मिस किया, मिस क्या किया कि काम होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग एक्टर हैं और कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए एक एक्टर को, नहीं तो बैठे एक जगह बैठे बैठे तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट क्या करें कि प्रॉब्लम ऐसी है और पूरी दुनिया में महामारी है, इसकी वजह से अब गवर्नमेंट भी ना चाहते हुए भी उन्होंने उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा, और हमारे लिए ही, हमारी सेफ्टी के लिए ही उन्होंने लॉकडाउन लगाया। बट ये है कि मैंने हाँ प्रॉब्लम्स बहुत हुई हैं, सब चीज़ें हुई हैं, क्राइसिस भी आए हैं, सब कुछ है, बट उसमें भी मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि नहीं शायद यही ठीक है, और ऊपर वाले ने हमें ज़िंदा रखा, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग हैं इस धरती पर और काम की तैयारी कर रहे हैं आगे, और प्लस क्या कहते हैं, मैंने कभी अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने दिया, डिप्रेशन नहीं लिया लॉकडाउन को भी, मैं घर में, मैं दिन में 3 बार वॉक करता हूँ, पौष्टिक आहार खा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ये वाली जो लॉकडाउन ये जो अभी हुआ था, इसके 2 महीने में मैंने कम से कम अपना वेट भी 8 किलो कम किया है, और मैं डेली उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बाकी पार्ट ऑफ वर्क है, पार्ट ऑफ लाइफ है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। बाकी एक बार वापस मैं श्रेय जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ, और उनके म्यूजिक कंपनी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.